सरोज ने नामांकन भरने के अंतिम दिन जयपुर, जयसिंह नगर और व्यवहारी के प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म भरा है। प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने भारी जनसमर्थन के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। जिला निर्वाचन कार्यालय में अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वालों की भारी भीड़ देखी गई, जिस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के भी प्रत्याशियों के साथ साथ बहुजन और समाजवादी सहित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहां नामांकन दाखिल करने आए दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा कि शहडोल में बीजेपी जो विकास की गंगा बहाती चली आ रही है वह निरंतर बहती रहेगी और भाजपा की जीत सुनिश्चित रहेगी। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में बेहद ही आसान जीत होगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा से उठ चुकी है, आम जनता में परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस इस बार जिले में तीनों सीटों पर जीत रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने। आशीर्वाद मांगता हूँ, हमने नामांकन भर दिया, निरंतर जो आप लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी का, शहडोल की जनता का जितना निरंतर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है, तो इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निरंतर शहडोल की जनता को हम विकास के उस गंगा को, जो हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज जी बाहर हैं शहडोल के लिए, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे नागपुर ट्रेन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और कई सारी मांगे अभी बची हुई हैं, बहुत सारी मांगे आप लोगों के द्वारा जो आएगी उसको हम लोग मांगने का काम करेंगे और निरंतर शहडोल का विकास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक बार मैं आप सभी से और जनता से आशीर्वाद के लिए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो फूलमती हैं वो भी बीजेपी के साथ थी, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया बिंद पार्टी से, क्या कहना है इसमें आपका, कितना नुकसान होता था बीजेपी को? कुछ भी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने देखा होगा पूरे विश्व स्तर पे देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता कभी भी एक तो जल्दी टूट के जाता नहीं और जो जाते हैं वो कहीं नहीं रह पाते, वापस भारतीय जनता पार्टी में ही आना होता है। ये कांग्रेस पार्टी की है कि शरद पवार, ममता बनर्जी और जयललिता और कई कई लोग बन गए, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता निर्णय करते हैं और कार्यकर्ता ही पद पे रहते हैं, कार्यकर्ताओं का ही ये समूह है, यहाँ पे कोई जाता है तो कोई इसके साथ नहीं जाता, वो अकेला रह जाता और अंत में आएगी, घर की बहन है, आएगी कभी, देखेंगे। अच्छा, प्रत्याशी बदलने को लेकर जनता और लोगों में चर्चा है, इसका क्या कहना है? प्रत्याशी बदला नहीं गया है, भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के काम के अनुरूप लोगों को दिया जाता है। और जहाँ तक बात है मनीषा की, तो मनीषा कोई बाहरी नहीं है, मेरी जूनियर रही है, 2-3 साल मेरे से पीछे रही है कॉलेज में, जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हुआ करता था तो ये लड़की पढ़ने आई थी पहले बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो ये लगातार यहीं से पढ़ी है, उमरिया की बच्ची है, शादी जैतपुर में हुआ, बाहर की कहाँ हो गई, और भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते 18 साल हो गए, राष्ट्रीय स्तर से ये काम कर रही है, 19 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य बन गए, तब से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा से जुड़ी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी, मैं महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रही, प्रदेश की मंत्री रही, निरंतर काम करने का आशीर्वाद मिलता है। अब आज नामांकन भी दाखिल हो गए, एक तारीख से आपका चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव बस हमारे जनता का आशीर्वाद हमारा फोकस है कि जनता के मन का, जनता के बातों का और जनता का जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। नामांकन भी किया गया, सेट और एबी फॉर्म भी जमा किया गया, तीनों प्रत्याशी थे, जैतपुर से उमा द्विवेदी, जैसी नगर से नरेंद्र मरावी जी और बिहारी से लाम, तीन हमारे प्रत्याशी, तीनों ने दूसरा सेट भर दिया और तीनों के एबी फॉर्म जिसको टिकट बोलते हैं आप जमा। कांग्रेस चुनाव नहीं, नहीं 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 किसी तरह नहीं देखते, हम बहुत आसान देखते हैं, बस हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, जो जोश है उसको बरकरार रखने की जरूरत है, जनता इनसे ऊब चुकी है, आम जनता में परिवर्तन की लहर है, किसी प्रकार कोई चक्कर नहीं, कांग्रेस पार्टी 3-0 तीनों सीट भारी बहुमत से जीतने जा रही है।